तो ये रहा मेरा गिफ्ट, तो मैं इसे दिखा रही हूँ आपको कि इसके तो जो सोयाबीन भट्ट होते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उनको इस तरह चौसा उगली में बनाया जाता रेखा दी दिन अन्य हेमा मीन पेड़ में 3 दिन था मेरे घर में साथ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस नए साल में सभी की दिनचर्या अच्छे से कट रही होंगी। तो आपका स्वागत है मेरे इन खूबसूरत गांव से, मेरे खूबसूरत पहाड़ों में। तो आज का इस नए साल में 2023 में ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। इससे पहले मैंने ना जितने भी वीडियो डाले हैं सब मैंने अपने मायके से बनाए थे, वहीं से बना के मैं लाई थी और अब तक मैं डाल रही थी उन्हीं को। लेकिन यहाँ आके मैं आज 2023 का ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो आप सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे कि आजकल मिक्की नहीं दिखाई देता है वीडियो में, दिक्छू नहीं दिखाई देता है। तो मैंने आजकल कभी घर में वीडियो बनाया ही नहीं, तो इसलिए मैं कभी मिक्की को और दिक्छू को वीडियो में नहीं दिखा पाई। और आजकल दिक्छू को भी आ रखा है घर, क्योंकि उसकी ठंडू की छुट्टियां पड़ चुकी है 20 दिन की। तो वो भी आ गया था 5-6 दिन पहले, वो घर आ गया था। आज 6 तारीख है तो आज उसको 5-6 दिन हो चुके हैं। तो चलिए हम मिलवाते हैं मिक्की और दिक्छू। हेलो हाय। हेलो हाय। नमस्ते। नमस्ते दिक्छू। और ये है मिक्की। और आजकल मिक्की बहुत टाइम बाद दिख रहा होगा वीडियो में, शर्मा गया देखो कैसे पीछे हो रहा है। और दिक्छू भी आजकल छुट्टी पे घर आ रखा है, 20 दिन की छुट्टियां पड़ रखी थी इसकी, तो आजकल ठंड की छुट्टी में ये भी। और आजकल बहुत टाइम के बाद 5-6 दिन हो गए हैं इसको घर में, लेकिन मैंने वीडियो में सिर्फ आज दिखाया क्योंकि मैंने आज ही वीडियो बनाया है घर में, इससे पहले मैंने नहीं बनाया है। तो और 2023 में मुझे एक गिफ्ट भी मिला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और गिफ्ट में क्या मिला है मुझे और किसने मुझे वो गिफ्ट भेजा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम दिखाते हैं कि 2023 का मेरा फर्स्ट गिफ्ट क्या है। उम्मीद करती हूँ कि पूरे साल में मुझे गिफ्ट मिलते रहेंगे है ना दिक्छू। तो ये रहा मेरा गिफ्ट, तो मैं इसे दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है और मुझे किसने भेजा है ये गिफ्ट। पावर बैंक मुझे मिला है इस साल में, पावर बैंक गिफ्ट में। और मुझे ये गिफ्ट किसने भेजा है, मेरे भैया जी ने, मेरे भाई हैं, मेरे मामा जी का लड़का, तो मेरा ननिहाल है उधर बेडोला, जग्गी बेडोला में। तो मनोज भाई ने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, पावर बैंक। तो थैंक यू मनोज भैया, आपने मेरे लिए ये पावर बैंक भेजा है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजकर कितना मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे हम ढूंढसानी जाते हैं या कहीं दूर सफर में जाते हैं तो मेरे फ़ोन का बैटरी एकदम से लो हो जाता है, तो मुझे पावर बैंक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आपने मेरे ज़रूरत की चीज़ मुझे गिफ्ट करी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरे लिए ये गिफ्ट। आप लोगों को कैसा लगा ये पावर बैंक मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो मेरा इस साल का फर्स्ट गिफ्ट है और इस साल में मेरे को फर्स्ट साल में मेरे को गिफ्ट मिल गया है। तो आगे देखते हैं और और इसको देखो, इसके नखरे देखो, इसके चिशम। 14-15 दिन बाद मैं जा रही हूँ बेडुला में, क्योंकि वहां पे है शादी, तो शादी में मैं बेडुला जा रही हूँ। तो मनोज भैया से पक्का मुलाकात होगी, तो मिलवाऊंगी आपको मनोज भैया से जिसने मुझे ये गिफ्ट दिला। घर से निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ गौशाला में। तो मेरे ठीक सामने पीछे देखिए गांव में,
इस तरफ धूप निकल चुकी है और इस तरफ अभी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, तो इतनी ठंड लग रही है ना, इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बताऊं। पूरे हाथ पैर ना ठंड से इतने जम हो गए, और आज काफी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है, और ठंड की वजह से ना मुंह भी इतना बोल रहे हैं, मुंह भी टेढ़ा हो रहा है। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ गौशाला, ना कैमरा पकड़ने में ना उंगलियों में इतनी ठंड लग रही है कि एकदम उंगली सुन्न सी हो रखी है क्या ठंड के मारे। तो अभी तो बिल्कुल भी फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है मेरे से, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ। अभी जा रहे हैं हम ढुंगसानी में, तो धूप अभी अभी निकली है तो शरीर को थोड़ा सा राहत मिल रही है, नहीं तो हाथ एकदम से ठंड के मारे टूट चुके थे। और मेरे साथ आ रही है रेखा दीदी, हेलो हाय बोल ना। हेलो हाय, जब मैं गुनार छो ना जाइ तब ये गोर में सहा रेखा दीदी बैठ छो, रेखा दीदी अन्य हे मम्मी बैठ भा 3 दिन था मेरे गोर में सहा, 3 दिन था रहे ना मैं गुनार, ये शर्म के मारे जा रही है इधर आगे आगे। तो हम जा रहे हैं डुंगसानी, तो वहां से लाना है मैंने पत्ते, और देखती हूँ पत्ते लाती हूँ बांध जाती हूँ क्या लाती हूँ। तो अभी अभी जागसाना के नीचे में जा रहे हैं, और धूप ना धूप तो लग चुकी है पर ऐसा नहीं लग रहा है कि धूप लग गई होगी, धूप के साथ साथ इतनी ठंडी हवाएं चल रही है कि बता नहीं सकते हैं। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो तब इतनी ठंड चुके हैं ढुंगसानी में, और आजकल काफी टाइम बाद बना रही हूँ मैं ढुंगसानी का वीडियो। तो ये है यहाँ पे सासू जी लोग, मुन्नी दीदी बना रही है यहाँ पे चौसा, क्या कुटने चौस, तो जो सोयाबीन भट्ट होते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उनको इस तरह चौसा उगली में बनाया जाता है। पहले एक बार इनको चूल्हे में भूनना पड़ता है, फिर उसके बाद बनाते हैं चौसा, काफी टेस्टी वाला चौसा, पहाड़ी लोगों का सरल वाला साग होता है चौसा। ढुंगसानी आके जंगल नहीं गई हूँ पत्तों के लिए, मुझे मिल गए थे यहाँ खेत में पत्ते, तो मैंने यहाँ पे पत्ते इकट्ठे करके सोल्टे में भर भी दिए हैं, और 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो आज मुझे जंगल जाना नहीं पड़ा है पत्तों के लिए, आज मैंने यही खेत से इकट्ठे किए हैं, और थोड़ा सा वहाँ पे बचत रह गए हैं वो मैं दूसरे दिन लेके जाऊंगी। तो फिलहाल मैं जाती हूँ अभी घर, और इधर उधर तो धूप लग गई है, लेकिन यहाँ जहाँ मैंने पत्ते इकट्ठे किए ना यहाँ पे धूप नहीं लगी थी, तो पत्ते बहुत अच्छे हुए इकट्ठे करने के लिए, मतलब इधर जंगलों में ना बहुत सूखे हो रखे हैं आजकल पत्ते, तो यहाँ पे सूखे नहीं थे तो मैंने यहीं पे इकट्ठे कर लिए हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो को एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे देते रहना, मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वाली वीडियो के साथ, बाय बाय।